जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 के विद्यार्थियों को कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए NCERT यानी ऐतिहासिक तिथियों संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड के एग्जाम के लिए 10 अंक एकदम पक्का है। तो दोस्तों एक एक नंबर का जो है ऐतिहासिक तिथि संबंधित घटनाएँ रहेगा और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहली जो तिथि है दोस्तों 563 ईसा पूर्व। आप लोग जानते हो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद है दोस्तों 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध का सम्राट बना। कब? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। उसके बाद में है 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व में दोस्तों मगध से मौर्य शासन का अंत होता है और उसके बाद में पुष्यमित्र सुंग का जो है शासन शुरू होता है। मगध जो दोस्तों आप लोग जानते हो 6 शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में मगध जो साम्राज्य था सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। तो 185 ईसा पूर्व में मगध से मौर्य शासन का अंत होता है और उसके बाद में पुष्यमित्र सुंग का जो है शासन शुरू होता है। उसके बाद में दोस्तों 78 ईस्वी में कौन सी घटनाएं घटित होती हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत होती है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और जो है भारत का ये क्या है, एक कैलेंडर है। उसके बाद में 375 ईस्वी में चाणक्य का जन्म हुआ था। चाणक्य कौन था दोस्तों? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चा से चाणक्य और चा से चंद्रगुप्त मौर्य। तो 375 ईस्वी में चाणक्य का जो है जन्म होता है। उसके बाद में है 606 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? कन्नौज की गद्दी पर जो है हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था। ये 606 ईस्वी में। उसके बाद में है 1526 ईस्वी जो तिथि होती महत्वपूर्ण, ये दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार परीक्षाओं पूछा जाता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी जो है पूछा जाता है। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पासे पानी और पासे 15। तो 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की क्या होती दोस्तों? विजय होती है और इब्राहिम लोदी के जो है पराजय होती है। उसके बाद में है 1765 ईस्वी दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। उसके बाद में 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। देखो दोस्तों 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण तिथि है 1928 में बारडोली में किसान आंदोलन हुआ था। 1928 में दोस्तों बारडोली में किसान आंदोलन हुआ था। दोस्तों ये थे कक्षा 12 के विद्यार्थियों से के लिए ऐतिहासिक तिथियां एवं संबंधित घटनाएं कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।